अब पृष्ठ 38 पर एक पद है, इसमें राधा रानी कपटी कह रहे हैं कृष्ण को, लेकिन कभी गाते हैं तो कहते हैं कि हे प्रियतम, आप कपट करने पर भी बहुत अच्छे लगते हैं, कपट करने पर भी बहुत सुन। तो ये है 72 नंबर का श्लोक 38 पृष्ठ पर। भीतर से बहुत कड़े हैं लेकिन मुख से ढीला ढीला मैंने नरम नरम वचन बोलते हैं, बहुत मधुर बोलते हैं, इसका अर्थ है अंतरा गठिले मुख ढीले ढीले बन बोला। कठोर हृदय के हैं लेकिन वचन बहुत सुंदर बोलते हैं, आप सर्वज्ञ हैं, सुंदर हैं, तो ऐसा कपट करने पर भी आप हमारे प्राणों के लिए खरे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। और सामने आँख के पास जब आते हैं कभी कभी तो इतना आप सीधे बन जाते हैं कि लगता है कि साँच ही मूर्तिमान आ गया है। साच किसी मूर्ति भय आखी मन पैठो आया, साच किसी मूर्ति भय आखी मन पैठो आया, महानीर मोही मोह समय ही ठना, जब सामने आते हैं आप जब बात करते हैं कभी तो लगता है कि सत्य ही मूर्तिमान आ गया, सत्य मूर्ति धर करके आ गया है। महानिर्मोही, महानिर्मोही हैं लेकिन आप मोह से मढ़े हुए दिखाई देते हैं, लगता है मूर्तिमान प्रेम आ गया, ऐसे हृदय में लगते हैं। आनंद के घन उघर पे छल छायल तो, आनंद के घन उघर पे छल छायल तो, आप आनंद के घन हैं, बादल हैं, दर्शन नहीं देते हैं, मतलब उघरे का मतलब कि बादल फट जाता है, आकाश से खत्म है, दर्शन नहीं देते हैं, आप दूर रहते हैं, पर छल छाय लेत, आपका एक ही गुण छाय रहता है वो है छल। बादल फट जाता है, आकाश में रहता नहीं, लेकिन छल छाय लेत, कपट से आप हमेशा बात करते हैं, छल छाय लेत, उघरे रहते हैं, उघरे का अर्थ है रहते नहीं हैं, आप भेंट नहीं करते हैं, मिलते नहीं हैं, बस छल का छल से छाय रहते हैं, छल के रूप में छाय रहा, बहुत छल है आपने। कटुताई भरे रो मारो मही करो, कटुताई भरे आपकी रोम, आप में कटुताई भरी है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम आपसे क्यों प्रेम किए, बहुत कपट है, कटुता है, पर रोम रोम में मधुरता में पगा है। महान कटुताई भरे रोम रोम में अमी पगा, अमी माने अमृत, बाहर से तो रोम रोम में अमृत है आपके, लेकिन आप भरे हैं वास्तव में कटुता से। चाह मत वारी माती भाई है हमारी देखो, चाह मत वारी माती भाई है हमारी देखो, चाह का अर्थ ब्रजभाषा में होता है प्रेम, प्रेम के कारण हमारी मति, हमारी समझ मतवारी हो गई है, देखो विचार करो
कि कपट करे हूँ प्यारे निपट भलो लगो इतना कपट करते हैं फिर भी बहुत प्रिय लगते हैं हमारी बुद्धि प्रेम से पागल हो गई है मतवारी मैंने पागल चाह मतवारी मति भई है हमारी देखो कपट करे हूँ प्यारे निपट भले लगो क्या कहें हम अपनी मति को ये प्रेम से पागल हो गई है आप इतना कपट करते हैं फिर भी बहुत अच्छा लगते हैं कपट करे हूँ प्यारे निपट भले लगो कपट करे हूँ इस तरह से राधा रानी कहती हैं इस पर तो अनेक पद हैं एक पद है सूरदास जी का यहाँ गा लेते हैं को ब्रज बाचत नाही न पाती 37 पृष्ठ पर कौ ब्रज बाचत नाही न पाती ब्रज नाही न पाती जब भगवान मथुरा से कई पत्र भेज रहे थे गोपियां कह रही हैं आपस में कोई बाँच नहीं रहा है पत्र इतना लिख करके भेज रहे हैं लेकिन कोई बाँच नहीं रहा है बाँचने में बड़ा दिक्कत है क्योंकि आँख से आंसू हमेशा गिरता रहता है तो उसे पन्ना गल जाता है और बाँचे कहाँ से अंगुली इतनी तप्त है हाथ इतना तप्त है गोपियों का विरह से कि हाथ से छूते ही वो जल जाता है और फिर भी जलने पर भी कागज थोड़ा रहता है देखने लायक बाँचने चलती हैं तो आंसू से गल कर खत्म हो जाते कौन बाँच अतः कौ ब्रज बाचत नाही न पाते कौ ब्रज बाचत नाही न पाते बाचत नाही न पाते कौ ब्रज बाचत नाही न पाते कत लिखी लिखी पठवत नंद नंदन पत लिख लिख कत लिख लिख पठवत नंद नंदन कठिन विरह की पाती ये विरह का दुख बहुत है क्यों लिख करके भेजते हैं कोई पत्र नहीं भेजे हैं ये सब कल्पना की बात हो रही है पत्र तो वही लाए हैं उद्धव जिसके पहले भगवान भेजे नहीं थे या हो सकता है भेजे होंगे भगवान की लीला को कौन जानता है नयन सजल कागद अति कोमल नयन सजल नयन सजल कागद अति कोमल विलोकत भीजे पर सत जरे पर सत जरे
ब्रज में कोई पढ़ नहीं पाता है पत्र कत लिख लिखी पठवत नंद नंदन नंद बाबा के लाले लाल श्री कृष्ण कितना बार पत्र लिखते हैं कितना लिखते हैं भेजते हैं लेकिन विरह का दुख इतना है कोई बाँच नहीं पाता है। क्यों नहीं बाँच पाता है पत्र को? नयन सजल आँख से हमेशा आंसू चुता रहता है गोपियों के और कागज अति कोमल तो छूते ही कागज कर की अंगुली इतने तप्त है ताती ताती मैंने तप्त इतना गर्म है कि कागज को छूते ही कागज जल जाता है कर अंगुली अति ताती परसत जर है स्पर्श करने को जल जाता है और उसको देखने का प्रयास कर गोपी करती है तो भीन जाता है बिलोकत भीन जाए दुहु भात दुख छात तो पत्र को छू भी नहीं सकते हैं बाँच भी नहीं सकते हैं तो पत्र लिख कर भेजने की क्या जरूरत है। विरह दुख का वर्णन कभी लोग इस तरह से करते हैं कभी कभी सुनने में लगता है कि तो कवि की कल्पना है क्या हाथ इतना गर्म हो गया कि पत्र जल जाएगा। नहीं नहीं जितने गर्म की कल्पना करेंगे उससे भी कोटि गुना गर्म होता है शरीर और फिर भी शरीर जीवित रहता है भगवान के प्रेम में। संसार में सब चीज़ नहीं देखा जाता है दिखाई नहीं पड़ता है। नयन सजल कागज अति कोमल कर अंगुली अति ताती परसत जरय बिलोकत भीजय दुहु भात दुख छात दुहु दोनों तरह से दुख यदि पत्र न भेजे तब भी दुख है लेकिन पत्र पढ़ने चले तो भी दुख है अथवा पत्र को छुए तब भी दुख है और बाँचे तब भी दुख है। दुहु भात दुख छाती छाती मन हृदय में दोनों तरफ का दोनों तरफ से दुख है। क्यों समझे ये अंक सूर सुन क्यों समझे ये अंक सूर सुन सूरदास जी इस पद को गाए हैं तो सूर कभी 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 सूरदास कहा जाता है कभी केवल सूर कहा जाता है छंद के अनुरोध से सूरदास जी कहीं केवल सूर रखे हैं कहीं सूरदास। तो क्यों समझे ये अंक सूर सुन क्यों समझे ये अंक सूर सुन कठिन मदन सर घाती कठिन मदन सर देखे जियहि श्याम सुंदर के देखे जियहि श्याम सुंदर के रहहि चरण दिन राति रहहि चरण दिन राति को ब्रज वाचक नहि पाति कैसे समझ में आएंगे ये अंक ये अक्षर। कागज गल गया जल गया बहुत कठिन है कामदेव का बाण कृष्ण प्रेम का बाण बड़ा कठिन है हम ये पत्र से नहीं जी सकती हैं लाख पत्र भेजे पत्र से नहीं जी सकती हैं। क्यों समझें ये अंक सुर सुनो कैसे ये हम अक्षर समझेंगे देखे जिए ही श्याम सुंदर के श्याम सुंदर को देख करके ही हम जिएंगे जीने का और कोई दूसरा उपाय नहीं। देखे जिए ही श्याम सुंदर के
देखने पर भी जी सकेंगी और अब तक जीवित रही हैं उनको देख करके, तो देखे जिये ही श्याम सुंदर के, रहे ही चरण में रात में। हमारी इच्छा यही है हे सखे कि दिन रात श्याम सुंदर के चरण में रहे, बस यही हमारा जीवन है। और वो दूर रह करके मथुरा से पत्र लिखें या किसी को दूत बना करके भेजें, इससे हमको कोई फायदा नहीं। यही हम मनाते हैं कि वे यहाँ आ जाए और हम दिन रात उनके साथ रहें, उनके चरणों में, तभी हम जिएंगे। इसके ऊपर एक श्लोक है सुंदर जी का, पद है। एक सखी अपने सपने की बात बता रही है। सपने में मैं देखी कि हमारे पास हमारे घर श्याम सुंदर आए हैं, अपना सपना सुना रहे, सपना में श्याम सुंदर आए हैं और हंस करके मेरी भुजा को पकड़े, मतलब गलवाही दिए हमको, अपनी एक भुजा हमारे कंधे पर रख हंस करके। पर क्या करूँ सखी, ये नींद मेरी दुश्मन बन गई, एक सेकंड भी नहीं ठहरी, जब ही हमको गलवाही दिए और तेल ही नींद खत्म हो गई, आँख खुल गई। मुझे इतना तो दुख हुआ, तो उदाहरण दे रहे कि ज्यों चकई प्रतिबिंब देख के आनंदी पिए जान। एक बार एक चकवा पक्षी की स्त्री अपना प्रतिबिंब कहीं देखे, प्रतिबिंब देखे तो उसको भ्रम हो गया कि हमारे प्रियतम चकवा आया है। ज्यों चकई प्रतिबिंब देख के आनंदित पिए जान, बहुत आनंदित हो गई कि हमारे प्रियतम आ गए, लेकिन ये निर्दय पवन पानी को झकझोर दिया है। पानी को झकझोर देने से चकई का प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता था, बहुत व्याकुल हो गए। हमको सपने हूँ मैं सोच, हमको सपने हूँ मैं सोच, हमको सपने हूँ मैं सोच, हमको सपने जा दिन के बिछुरे नंद नंदन, जा दिन के बिछुरे नंदन, ता दिन के यह को करें। सपने में भी श्याम सुंदर आए फिर भी केवल दुख ही हुआ। वैसे तो दुख है कि जिस दिन से श्याम सुंदर बिछड़े हैं, नंद नंदन जिस दिन से दूर हुए हैं, उसी दिन से यह दुख छाया हुआ है। तो सपने में मैं क्या देखे, मनो गोपाल आए मेरे घर, कहा करो बैरिनी भई निंदिया।
तक रहती तो मैं श्याम सुंदर से देर तक बात करती मिलती, लेकिन निमिष न एक रही, एक निमिष भी नींद नहीं रही। कहा करो बैरिन भय निंदिया, नींद ही बैरिन हो गई, टूट गई। ज्यों चकई प्रतिबिंब देख के, ज्यों चकई प्रतिबिंब देख के, आनंदित जान, आनंदित जान, सूर पवन स निठुर विधाता, सूर पवन निठुर विधाता, सूर पवन स निठुर विधाता, सूर पवन स निठुर विधाता, सकल करो जल जान, सकल करो जल जान, हमको सकल हूँ सोच, हमको सकल हूँ सोच। जल को चंचल कर दिया पवन, लेकिन पवन के बहाने से वास्तव में विधाता ने चंचल किया उस चक्री के लिए। वो जल में अपना प्रतिबिंब देख रही थी और उसको भ्रम हुआ कि हमारे प्रियतम चकवा आ गए, आनंदित हुई। और तब तक तो जिम आनंदित हुई, उसी समय हवा का झोंका आया, जल को चंचल कर दिया, तो प्रतिबिंब मिट गया। तो इस तरह से मैं श्याम सुंदर से मिली, लेकिन ये बैरी नींद खुल गई और सपने में भी मैं आनंदित नहीं हो सका। तो उद्धव और भ्रमर में कोई भेद नहीं है, बीच बीच में उद्धव भी आएगा। तो पृष्ठ 39 पर पहला पद है, 75 नंबर का। उद्धव सब स्वार्थ के लोग, उद्धव सब स्वार्थ के लोग। इस संसार में जितने लोग हैं सब स्वार्थी हैं, श्री गोपियां कहती हैं, केवल कृष्ण पर दोषारोप करने के लिए, सब स्वार्थ के लोग। उद्धव सब स्वार्थ के लोग, उद्धव सब स्वार्थ के लोग, आपन के लिए करत कुजा संग, आपन के सिखावत जो सिखावत जो दो सब सारथ के लो, सब स्वार्थी हैं। देखो हमको योग करने के लिए सिखा रहे हैं, योग का पत्र है, योग करो, ध्यान करो, समाधि करो, और आपुन के लिए करो तो कुब्जा संग, और अपने कुब्जा के साथ रह रहे हैं, केली कर विहार कर रहे हैं, उसके साथ रह रहे हैं। भगवान वास्तव में रहते नहीं थे कुब्जा के साथ, केवल उसको सीधा करके वो चले गए अपने घर, भगवान घूमने लगे। लेकिन श्री गोपियों का भाग भाव है और कुब्जा से सौतिया जा है,
भैले आज कन्हैया हमनी के सपनवा को सौतिया बन के डाहे कुबरी। मैंने एक पद सुना था, बिरहा सुना था। बिरहा का मतलब ही है कि भगवान कृष्ण के बिरह में गोपियों ने जो गाया है वही है बिरहा। बिरहा जो गीत है वो केवल भगवान कृष्ण के बिरह में गोपियां गाई है, उसी को बिरहा कहते हैं। बिरह से बिरहा शब्द बना है। मैं सुना था, बड़ा पद था, बहुत सुंदर था। भैले आज कन्हैया हमनी के सपनवा सवतिया बन के डाहे कुबरी। बहुत सुंदर लगा। देखो इस संसार में सब स्वार्थी लोग स्वयं कुब्जा के साथ केली कर रहे हैं और हमको उपवास समाधि ध्यान ये सब सिखा रहे। आपन केल करत कुब्जा सन हम ही सिखावत जोग। भ्रमी बन जात सावरी मूर्त मित देखाही वह रूप अब रस रास कुलिन जमुना के करत लाज भय भोग। देखो जब ब्रज में थे श्री कृष्ण तो भ्रमी बन जात सांवरी मूर्ति बन बन गाय चराते थे, घूमते थे। उस समय हम उनके सुंदर रूप को देखती थी। अब रस रास जमुन पुलिना के जमुना के पुलिन जमुना करत लाज। और जब अब कोई उनके सामने चर्चा करेगा करता होगा कि जमुना का किनारा रास बिहार जमुना पुलिन तो लज्जा लज्जा करते हो। और उस समय घूमते थे इसी ब्रज में और अब नाम लेने पर भी लज्जा करते हैं क्योंकि भय भूप। अब तो भूप बन गए ना, राजा बन गए। अनुदिन नयन निमेषन लागत भयो विरह अतिरोग मिलवम कान कुमार अश्विनी मिटे सुर सब रोग। अनुदिन नयन निमेषन लागत अब रात हो चाहे दिन हो हमारे निमेश नहीं लगता है। अनुदिन नयन निमेषन लागत भयो विरह अतिरोग। एक रोग ऐसा हो गया विरह का कि पलक कब नहीं गिरती है। कई बार हम लोग ने देखा है कोई कोई रोग ऐसा हो जाता है कि आदमी का पलक गिरता ही नहीं, पलक गिरता नहीं है, आंखें खुली रहती है। तो गोपियों की आंखें खुली रहती है, पलक नहीं गिरती है। क्यों? अब श्री कृष्ण आते होंगे मथुरा से, अब आ रहे होंगे, अब आ रहे होंगे, यही देखने के लिए। तो विरह का रोग हो गया है। तो यह रोग कैसे मिटेगा जब कान्ह कुमार अश्विनी, जो कृष्ण कुमार आएंगे अश्विनी बन करके, दोनों अश्विनी कुमार सबसे बड़े वैद्य है। अश्विनी कुमार देवता हैं और सब लोगों की दवा जानते हैं। तो हमारे यह विरह रोग कब मिटेगा जब कृष्ण अश्विनी कुमार बनकर आए हैं, मतलब वैद्य आएंगे। कृष्ण वैद्य के आने पर ही रोग मिटेगा क्योंकि विरह का रोग है। भ्रमी बन जात सांवरी मूरत भ्रमी बन जात। उस समय श्री कृष्ण कैद नहीं थे किसी घर में, से फ्री घूमते रहते थे, बांसुरी बजाते थे जमुना के तट पर या वृंदावन में गिरिराज जी की तलहटी में जहाँ तहाँ फ्री घूमते थे। तो जब इच्छा करते थे हम देखा ही वह रूप, हम देखती थी। लेकिन अब ऐसा समय आ गया कि अगर रस रास रस की चर्चा की जाए जमुना के पुलिन की, जमुना के किनारे की, तो लज्जा से गड़ जाते हैं। करत लाज भय भूप। भ्रमी बन जात
सावरी मूरते नित देखहि वह रूप अब रस रास पुलिन जमुना के अब रस रास अब रस रास पुलिन जमुना के अब रस रास पुलिन जमुना के करत लाज भय अनुदिन नयन निवेशन लागत कछु बनाए गोपियां उद्धव जी के उपदेश को सुनकर ये बाद में प्रसव है लेकिन कहीं भी दिया जा सकता है। उद्धव कुछ कहते नहीं बनता है, हमें बोली निकल रहे हैं हम क्या कहें, आप ऐसी उठपटांग बात आकर के बता रहे हैं हम कुछ कह नहीं सकते, कहते अच्छा नहीं लगता है। उधो कहतन कछु बनाए उधो कहतन कछु बनाए क्यों नहीं कहते बनता है कि आते जो यहाँ पर उपदेश लेकर के आए हैं ये बिल्कुल उल्टा है। अधरामृत आस्वाद निरसना अधरामृत आस्वाद निरसना अधरामृत कैसे जो साधना में भी कुछ खास मंत्र जपना होता है तो जिन रसनाओं ने जिह्वा ने श्री कृष्ण के अधरामृत का स्वादन किया है अभी योग के मंत्र और योग की क्रियाओं को नहीं बोल पाएंगे। कैसे योग बना जिस जीव से महामंत्र जपा है उससे अब सोहम शिवोहम कैसे जप पाएंगे, भक्तों को देखना चाहिए ये संसारी कैसे बात करेंगे। जो जिह्वा श्री कृष्ण के अधरामृत का स्वादन की है वो आपके कहने से अब योग की बातें बोलेंगे कभी होगा नहीं। जे ही लोचन अब लोके नख सिख जहि लोचन अब लोके नख सिख जहि लोचन अब लोके नख सिख जहि लोचन
पठे अपने जिन आंखों ने नख से सिख तक नंद तनय को देखा है, नंद पुत्र श्री कृष्ण को जिन आंखों ने देखा है, नख से सिख तक मतलब चरण से लेकर के मस्तक पर्यंत सब श्री कृष्ण को जिन आंखों ने देखा है, अब वे लोचन और किसको देखेंगे, किसको देखना चाहेंगे और पथ पर कैसे जाएंगे। उद्धव जी ने कहा कि स्वयं नंद नंदन ने कहा है, तो ये कहती है कि लय पठे अपने, भले श्याम सुंदर ने भेजा है लेकिन दूसरे पथ पर हमारे नेत्र जा नहीं सकते हैं। जिन नेत्रों ने श्री कृष्ण के सौंदर्य को देखा है नख से सिख तक चरण से मस्तक तक, कैसे जा सकते हैं, कहीं नहीं जा सकते हैं। और कान रागिनी राग तरंग तान गन तरंग तान घन जे श्रुति मुरली सुने ते श्रुति जोग संदेश कठिन कहूं ते श्रुति का कर मेरी हन जिन कानों ने श्री कृष्ण के बांसुरी को सुना है जिसमें कितना राग रागनी ताल तरंग ये सब घना बहुत बहुत भरे रहते हैं, तो जिन कानों ने श्री कृष्ण के बांसुरी के स्वर को सुना है वे कान योग के संदेश को ब्रह्म ज्ञान को कैसे सुनेंगे। ये तो कानों के लिए ऐसा लग रहा है जैसे कोई कान में कंकड़ से मार रहा हो, इतना कोमल मधुर शब्द सुनने को मिले और उन कानों में कंकड़ मारा जाए। आप जो बात बोल रहे हैं ब्रह्म ज्ञान योग समाधि ये सब बिल्कुल हमारे लिए बेकार है, इसको हम सुन नहीं सकते कभी। ये तो आपके वचन जो निकले हैं वो कंकड़ चलाने के समान, ढेला मार रहे हैं आप पत्थर, इतना विपरीत लग रहा है। वैष्णवों के लिए वास्तव में भगवान के रूप का वर्णन, लीला का वर्णन, नाम का गान ये सभी अमृत हैं, और बाकी जो भी व्याख्यान है वेद वेदांत उपनिषद सब सब ये कंकड़ हैं। वह ये सब अमृत है, भगवान की लीलाएं भी शब्द में है, तो ये शब्द अमृत है और बाकी इसके अलावा जो शब्द है ये सब कंकड़ है। जैसे जोग वाशिष्ठ तो बहुत पत्थर का ढेला कान में मारना है, ऐसे योग की बात अरे बात सब फा